गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर TSN क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स। एनाटॉमी क्या है, किसकी स्टडी के बारे में बताता है? शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो स्ट्रक्चर होते हैं और शेप होता है उसके बारे में समझाता है। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स होते हैं, द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना एंड टॉमी। तो वे एना का मीन्स होता है अ पार्ट, टॉमी का मीन्स होता है टू कट। इन फिजियोलॉजी द फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम सच एज रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सिस्टम होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, ये इसके बारे में स्टडी करता है। एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड। इट कैन बी सेड दैट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ टू बॉडी एंड ऑल इट्स पार्ट। फिजियोलॉजी ये बताता है कि आपकी बॉडी के पार्ट और फंक्शन कैसे काम करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड नेमली फिजियो एंड लॉजी, वेयर फिजियो मीन्स नेचर, फिजियो का मतलब होता है नेचर और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। तो फिजियो की नेचर की स्टडी करना। द वर्ड किनेसियोलॉजी इज मेड अप ऑफ किनेसिस मीन्स मोशन एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। हियर वी विल स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। हैंस इट इज एसेंशियल फॉर अस टू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी के लिए और ह्यूमन फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी के बारे में बताता है। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी मीनिंग डेफिनेशन इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। डिफिनेशन बताता है कि एनाटॉमी के इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी किसकी स्टडी करता है? साइज, जो बॉडी का साइज होता है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है और वेट होता है और लोकेशन कहाँ कहाँ उनके ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टोमक्स, किडनी, लंग्स, हार्ट, जो भी है लीवर की, ये कहाँ कहाँ होते हैं। अ डिटेल्ड का नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड। बॉडी इज ह्यूमन एनाटॉमी, फॉर एग्जांपल द शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर। जैसे कि वही बता रहा कि बॉडी का शेप, साइज या लीवर का, हार्ट का शेप कैसा होता है, जैसे लीवर का कैसा होता है, लंग्स का कैसा होता है, किडनी का कैसा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन आर स्टडी इन ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमंग स्ट्रक्चर। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। जो आपकी जो सिस्टम, ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन के जो बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उससे रिलेशन रखता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता है। जैसे इनफैक्ट थ्रू ह्यूमन एनाटॉमी वी कम टू नो अबाउट द म्यूचुअल फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबका कनेक्शन किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होता है और वो किसी ना किसी चीज़ से फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी वी गेट द नॉलेज फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। कि हम जो ह्यूमन हार्ट की जो नॉलेज रखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनेसियोलॉजी। द वर्ड किनेसियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड किनेसिस मीन्स मोशन एंड लोगोस मीन्स टू डिस्कर्स और टू स्टडी। थस किनेसियोलॉजी मीन्स द स्टडी मैकेनिक्स एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट। इसकी स्टडीज करता है ये मैकेनिक्स और एनाटॉमी की, जिसका रिलेशन किससे होता है? ह्यूमन से। किनेसियोलॉजी एड्रेस फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट विद एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड किनेसियोलॉजी, द फॉलोइंग डेफिनेशन कैन हेल्प टू। किनेसियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द रिलेशनशिप, ये सब डेफिनेशन दे रखी है। किनेसियोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द रिलेशनशिप ऑफ फिजियोलॉजी प्रोसेस एंड एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विद रेस्पेक्ट टू मूवमेंट। अमेरिकन किनेसियोलॉजी एसोसिएशन डिफाइंस किनेसियोलॉजी एज द एकेडमिक डिसिप्लिन विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, सोसाइटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। किनेसियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस डेट डील विद ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मोशन। ये डेफिनेशंस है। इज द स्टडी साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, लर्न अबाउट मोटर परफॉर्मेंस, कि आपकी जो मोटर परफॉर्मेंस कैसी है।
बॉडी की. सो स्टडी किनेसियोलॉजी इज कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एथलीट और कोचेस. इनफैक्ट किनेसियोलॉजी कंप्रोमाइज सब डिसिप्लिन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. एथलेटिक ट्रेनिंग स्पोर्ट्स मेडिसिन होता है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन होता है. ये सब किनेसियोलॉजी के अंदर आता है. द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ वुमन एनाटॉमी वुमन फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इज क्लोज एज वेल एज डीप. जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ह्यूमन एनाटॉमी से वो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई या किनेसियोलॉजी वो क्लोज है एज वेल डीप. इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली. ये बहुत डिफिकल्ट है इसको सेपरेट करके हम डीप स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज दिस टू डिसिप्लिन और इंटरलिटेड. बिकॉज इसके जो डिसिप्लिन है दो वो इंटरलिटेड है. द इन द एब्सेंस ऑफ वन डिसिप्लिन इन द एब्सेंस ऑफ वन डिसिप्लिन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर कैन नॉट बी इमेजिन बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन अंटिल वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गन. कि हम इसके जो फंक्शन को एनी ऑर्गन के फंक्शन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते कि इसका फंक्शन कैसे फंक्शन किया जाता है. अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गन, बस खाली हम किस चीज़ के समझ सकते हैं जो ऑर्गन होता है स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सच म्यूचुअल रिलेशनशिप द वुमन बॉडी परफॉर्मेंस वेरियस फंक्शन लाइक अ मशीन. नेक्स्ट पेज इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी. ये यहीं तक